हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, आज आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं खड़ा हूँ रेगिस्तान के दौरे पर और मेरे पीछे देख सकते हो बहुत सारे दौरे हैं और ये सबसे बड़ा दौरा है, इसलिए मैं इस दौरे पे आके खड़ा हो गया। और देखते हैं आज आपको वीडियो में क्या क्या बता पाता हूँ, लेकिन आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज इसकी वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैमरा यहाँ पर है। ओहो, यहाँ पर तो गाइज आपको मैं बता दूं कि इस रेगिस्तान के दौरों पर कितना आनंद है, कितनी सुहानी हवा आ रही है। और अभी चल रहा है सर्दियों के मौसम, तो आपको पता ही है रेत के दौरे अभी मतलब दोपहर को तो गर्म होते हैं, लेकिन शाम के समय बहुत ही ठंडे हो जाते हैं। और अभी आ रही है उत्तर दिशा से हवा और अभी हम लेंगे इस रेतीले दौरों का आनंद, और साथ में आप भी आनंद लेते रहे और वीडियो को देखते रहे। तो गाइज आप देख सकते हो ये रेगिस्तान के दौरों पर बड़े बड़े कांटों वाली झाड़ियां हैं और इसी तरह से काफ़ी झाड़ियां वगैरह हैं। गाइज आप देख सकते हो ये किसकी झाड़ी है पता नहीं मुझे भी, लेकिन ये देखो इस तरह से कुछ झाड़ी है और इस बड़े से टीले पर लगी हुई है। और आप देख सकते हो इस पर अभी सनसेट भी होने वाला है और मैं इतने बड़े दौरे पर खड़ा हूं और चारों साइड रेत के दौरे ही दौरे हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, मैं आया था वहां से लगभग यहां से 2 किलोमीटर दूर से आया था और मैं अभी इस दौरे पर आया हूं और वीडियो शूट करने। और चारों तरफ आप देख सकते हो मेरे दौरे ही दौरे हैं। और आपको बता दूं देखो ये अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं और काफ़ी बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि इस दौरों पर चलने का मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि इस रेत के दौरे पर आप देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी रेत हैं और कुछ इस तरह से सनसेट भी हो चुका है और इस तरह से कुछ नज़ारा है। और देखते हैं आगे वीडियो को, स्किप थोड़ा सा भी मत करना, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस कर गए तो आप इस रेतीले दौरों का आनंद नहीं ले पाओगे। और देख सकते हो आगे चल, तो गाइज आप दौरों की गहराई का अंदाजा बताओ और कितनी गहरी है। आपको बता दूं पीछे से लगभग वहां पर देखो तल हैं और कितनी गहरी हैं इसका अंदाजा आप लगा लो, बहुत गहरी है। अगर इससे ऊपर चढ़ू ना तो मेरी सांस फूल जाएगी। और देखो हमारा घर उस साइड है, लगभग यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है और मैं आया था यहाँ पर रेगिस्तान के दौरों पर घूमने। और देखो सनसेट होता है। गाइज देखो यहाँ पर रेत के दौरों पर चलना बहुत ही कितना आसान है और यहाँ से दौरों का नज़ारा आप देख सकते हो गाइज। और गाइज
गाइज देख सकते हो गाइज, यहाँ से सनसेट का नज़ारा देख सकते हो गाइज। और गाइज अब घर जाने की बारी आ गई है गाइज। तो गाइज 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 तो गाइज आपको बता दूं कि यहाँ पर देखो लोग यहाँ पर बड़े बड़े दौरों पर मोटरसाइकिल को ऊपर चाटते हैं। देख लो गाइज, यहाँ पर मैंने यहाँ पर रिसर्च किया और देख पाया कि यहाँ पर बड़े बड़े मोटरसाइकिल के चीले दिखाई दे रहे हैं और इस बड़े बड़े दौरों पर मोटरसाइकिल चाटी जाती हैं और यहाँ से नीचे उतारी जाती हैं। उस तरह से दौरे हैं और आप देख सकते हो यह रहे चिन्ह और यहाँ पर मोटरसाइकिल ऊपर चाटी गई है। रहा हूं और आप देख सकते हो इस तरह से कुछ धोरा है और मेरे पैर बहुत नीचे चले जा रहे हैं। और यह रही सड़क और अब मैं पहुंच चुका हूं सड़क पर और एक ही रेतीला धोरा है और इसको पार करूंगा मैं और आगे ये सड़क जाती है। आप बता सकते हो कमेंट में, बताओ ये कौन सी जगह है। और थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर लिखा है ये देखो अभी मेरे पास हरियाल लिखा है। हरियाल यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और कुछ इस तरह से है ये रहा। आपको बता दूं कि मैं चल रहा हूँ अब इस रेगिस्तान के धोरे के ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ से लगभग आपको बता दूं ये देखो किस तरह से बहुत अभी तक नीचे है और मैं अभी इतना ऊपर चढ़ चुका हूँ। धीरे धीरे आप देख सकते हो मेरे पैर अंदर जा रहे हैं और ये देखो किस तरह से धोरे हैं। वाओ वेरी ब्यूटीफुल। तो गाइस चढ़ते रहो ऊपर, थकते नहीं। गाइस आपको बता दूं मेरा घर यहाँ से लगभग आपको दिखाई तो नहीं देगा लेकिन कुछ नहीं पता ही आपको मेरा घर। तो ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ के सीधे हम जाते हैं घर की ओर। और देखो सड़क पर चल रहे वाहन, मैं इतना ऊपर आ चुका हूँ मेरे ये पैर देख सकते हो इस तरह से जमीन में धस चुके हैं। और गाइस अब देखो इस तरह से हमारे कुछ पेड़ पौधे हैं, इसको कहते हैं हमारी भाषा में फूग, और इसकी लकड़ियों से हम जलाते हैं चूल्हे पे आग। और आगे देख सकते हो मैं ऊपर चढ़ने वाला हूँ अभी। दोस्तों देखो आ चुकी है हमारी रत्नों, और रत्नों आ चुकी है मोहनगढ़, ये बस वगैरह हैं। और गाइस देख सकते हो मैं इस रेतीले धोरे पर आ चुका हूँ काफ़ी देर बाद। देखो कितना नीचा धोरा है, सबसे ऊपर लगता है मुझे यही धोरा है यहाँ नज़दीक में, क्योंकि यहाँ पर मैं बैठा हूँ। और ये देखो कुछ फूग हैं और देख सकते हो चारों तरफ से वातावरण, और एक दर रेत के धोरे चमक रहे हैं सोने की तरह। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि देखो अभी हमारे शाम हो चुकी है और अभी मुझे घर भी जाना है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय राजस्थान वीर भूमि जय साणा जय हो जय हो जय हो। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।